नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज की सबसे बड़ी खबर और पहली खबर दंगा गैंग ऑफ खलीलपुर की। जी हां, क्या आप सोच भी सकते हैं कि बाइक की रफ्तार की वजह से कोई दंगा हो जाएगा? गोलियां चलने लगेंगी, पत्थर चलेंगे, लाठियां बरसेंगी। लेकिन हरियाणा के नूह में एक तेज रफ्तार बाइक की वजह से ऐसा ही हुआ, दंगा हो गया, हालात बेकाबू हो गए। तो दो समुदायों के बीच लोग भिड़ गए और खबर नूह के खेड़ा खलीलपुर की है। यहाँ पत्थरबाजी और फायरिंग के बाद जबरदस्त तनाव है। टेंशन की शुरुआत बिलाल नाम के एक लड़के की वजह से हुई है। बिलाल तेज रफ्तार में बाइक से आ रहा था और जैसे ही वो नाथू राम के घर के पास पहुंचा, हंगामा शुरू हो गया, मारपीट होने लगी और आरोप है कि तेज रफ्तार की वजह से 8 साल की एक लड़की बिलाल की बाइक के सामने आते आते बची। बिलाल को टोका गया तो उसने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद उसकी पिटाई होने लगी और कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। लेकिन अगले दिन इस घटना ने सांप्रदायिक रंग ले लिया और दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। गालियां हुई और गोलियां भी दागी गई, छतों से पत्थर फेंके गए, बाद में पुलिस आई और तब जाकर सिचुएशन अंडर कंट्रोल हुआ। अब पूरी खबर एक एक तस्वीर के साथ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये उसी गली की तस्वीर है जहां पर ये पूरा का पूरा हंगामा हुआ। भीड़ ने हमला किया और फिर एक के बाद एक लगातार देखे तो यहां पर पत्थर चलने लगे। बहुत सारी भीड़ एकाएक इस पतली सी गली में आकर खड़ी हो गई। गली में 100 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ मौजूद थी। दनादन पत्थर चल रहे थे और पथराव के बीच गोलियों की आवाज भी सुनाई देगी। अगर आप गौर देंगे तो गोलियों की आवाज भी सुनाई देगी। हर तरफ दंगे का शोर मच गया था। आप एक बार सुनिए आवाज भी और वो पथराव भी। चलिए दहशत की एक और तस्वीर अब आपके सामने रखते हैं। दहशत की यह दूसरी तस्वीर है। फायरिंग करते वक्त एक युवक की तस्वीर मोबाइल फोन के कैमरे में कैद हो गई। आप देखिए फायरिंग कर रहा है, दरादन फायरिंग कर रहा है, दो हवाई फायरिंग सुनाई दी है, क्लियर है। और फायरिंग घर के अंदर से हो रही है क्योंकि दरवाजा दिखाई दे रहा है और दरवाजे यानी चौहद्दी के अंदर वो दिखाई दे रहा है। कई बार फायरिंग हुई। अब दहशत की एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं। दो गुटों में फायरिंग हुई और फायरिंग करता हुआ एक युवक भी कैमरे में कैद हुआ। ना पुलिस का खौफ है, ना प्रशासन का डर है और कैमरे में ये पूरी तस्वीर रिकॉर्ड हुई है। इस तस्वीर से ये अंदाजा लग जाता है कि पूरी तरीके से मानसिक रूप से ये लड़का तैयार था कि कैसे यहां पर दंगा अगर भड़कता है तो फिर इसे हवा देने फायरिंग कर रहा है। खौफ में आ गए हैं। पुलिस को फोन किया गया लेकिन पुलिस के आने से काफी देर हो चुकी थी और उससे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो समुदाय आपस के आमने सामने आ गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। तो जो बात अमित अभी अभी आपको बता रहे हैं उसकी तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं। आप ये देखिए, दो समुदाय आमने सामने थे गली के अंदर, तकरीबन 100 लोग उससे भी ज्यादा ऊपर वाले के पास। देखिए किस तरीके से, पहले आप सुनिए क्या बोल रहे हैं। कर दियो ना, कर दियो ना, ना ऊपर वाले को तो वो नीचे वाले को आ सके। गोलियां चलती रही लेकिन पुलिस नहीं आई। ऐसे में जो घरों में फंसे हुए थे उनकी टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। आप एक और वीडियो देखिए। कैसे ना एक मीट ना चलान तो था, अभी चलाया मुझे चल जाएंगे। पत्थर चला रहा हूँ, पत्थर चला रहा हूँ, कुछ भी चला सकता हूँ, गोली कूद चला रहा हूँ, अभी पत्थर चल जाएगी, अभी पत्थर चल जाएगी, हर जगह जगह फोन कर दो ना, पुलिस कर दे, आ रहा आ रही है,
चुना अरे फोन ऐसे ऐसे अब तो फोन पुलिस आ रही पुलिस भी आ रही ठीक है कैसे नो एक मिनट ना चलान तो था अभी चलाया मुझे चल जाए वहाँ चला रहा हूँ पत्थर चला रहा हूँ कुछ भी चला सा गोली कूद चला रहा अभी पत चल जाएगी पत चल जाए हर जर जाए कर दे आ रहा आ रही है चुना अरे फोन ऐसे ऐसे अब तो आपने यहाँ पर सुना किस तरह से लोग बोल रहे हैं कि पुलिस आ रही है लेकिन लोग बचाव के लिए या फिर खुद को बचाने के लिए दूसरे पर हमला करने के लिए पत्थर चलाने के लिए भी कह रहे हैं। तो पथराव के जो गुनहगार हैं उनके कई चेहरे जो कैमरे में कैद हो गए। पहला चेहरा देखिए, पीछे सैकड़ों की भीड़ खड़ी है और एक लड़का पत्थर चला रहा है। ना कोई डर है, ना कोई कानून का खौफ है, खुलेआम हो रहा है सब। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अब दहशत का एक और चेहरा आपके सामने रखते हैं। जरा इस लड़के को गौर से देखिएगा, इसके चेहरे पर थोड़ी भी शिकन नहीं है, थोड़ा भी डर नहीं है, कानून का कोई खौफ नहीं है, कैसे उछल उछल कर पत्थर चला रहा है तस्वीर में देखिए। किसी प्लेग्राउंड में गोला फेंकने का ये कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन हाँ इस गली में जो लड़ाई चल रही है उसमें अव्वल आने का कॉम्पिटिशन जरूर ये लड़का लड़ रहा है। और देखिए कैसे उछल उछल कर पत्थर चला रहा है। पुलिस को चाहिए था कि वो मौके पर पहुंचती, इन सभी लोगों को हवालात की हवा खिलाती, लेकिन पुलिस भी देरी से पहुंची। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।